थाना मुंझोला पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मोबाइल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से बड़ी तादाद में स्मार्टफोन बरामद किए, जिनका खुलासा पुलिस अधीक्षक नगर ने अपने कार्यालय में किया। पकड़े गए पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों पर धारा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये पिछले कुछ दिनों से थाना मुंझोला क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल चोरी और स्नैचिंग की घटना हो रही थी, इसी में थाने की टीम और क्राइम ब्रांच एसओजी जो है वो लगातार काम कर रही थी। इसी क्रम में एसओजी टीम के द्वारा विभिन्न सूचनाओं पर अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। इस दबिश में 4 व्यक्तियों को जो कि डायरेक्टली घटना में इन्वॉल्व थे लूट करने में, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी सूचना पर जो जहाँ पर उन्होंने फ़ोन बेचे थे, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि बेसिकली मोबाइल की दुकान के स्वामी हैं और चोरी की मोबाइल खरीदने का और उनकी IMEI बदलने का ये काम करते हैं। तो कुल मिलाकर 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें से 4 लूट करने में शामिल थे और 2 चोरी की संपत्ति खरीदने में थे। इनसे 6 मोबाइल बरामद हुए हैं, 1 बाइक जो कि घटना में प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है। इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है इनका? इनका आपराधिक इतिहास तलाश करवाया जा रहा है। अभी तक 1 के विरुद्ध 2016 में 1 मुकदमा पंजीकृत होने की पुष्टि हुई है। ये चारों जो लूट के मुलजिम जो हैं, ये सभी लोग मजदूरी लेबर का काम करते हैं और अनपढ़ हैं, या फिर एक व्यक्ति जो है वो इसमें से हाई स्कूल अभी कर रहा है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं मोबाइल के जो इन्होंने लूटे थे।